कानपुर शहर में बर्ड फ्लू वायरस की दहशत कायम। डीबीएस डिग्री कॉलेज में मृत कौवा मिलने से मचा हड़कंप। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने वन विभाग को दी घटना की जानकारी। वहीं दूसरी ओर साड़ क्षेत्र में भी कौवे की मृत की सूचना मिली। सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने मृत कौवे के शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा। कल ही शहर के पंछी उद्यान ने दर्जन भर पंछियों में हुई बर्ड फ्लू की पुष्टि। कानपुर के अन्य कई जगह पर सूचना भी मिली। क्या मामला हुआ, कहां पर ये कौवा? एक कौवे की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी डीबीएस कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा। तो हम लोग राजकीय पशु चिकित्सालय फजलगंज से आया हुआ, मैं डॉक्टर विकास, हमारे फार्मासिस्ट श्री रामलीला श्रीवास्तव और सहयोगी स्टाफ मनोज कुमार आए हुए। हमने सैंपल कलेक्ट करके इसको हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेजा जाएगा बर्ड फ्लू की फर्दर जांच के लिए। लगातार कौवों की मौत हो रही, क्या कारण है? क्या जैसा कि हमें पूर्व में ज्ञात है कि चिड़ियाघर में जो मौत हुई थी वहाँ पर बर्ड फ्लू का सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। तो एहतियातन हम लोग कहीं भी अगर सूचना प्राप्त हो रही है तो उसका सैंपल कलेक्ट करके और हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेज रहे हैं। वन विभाग की टीम आई यहाँ पर, और भी कौवों की मौत हुई है? नहीं, खाली राजकीय पशु चिकित्सालय फजलगंज।